आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चौथी मंजिल से कूदकर महिला ने आत्महत्या कर ली है। इसका एक मामला सामने आया जहां पर नींद की गोलियां बियर में घोली गई थी, जिसके बाद में बोतल प्लेट से यहां पर बरामद भी की गई है। पुलिस अलग अलग एंगल से पूरे मामले में जांच कर रही है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर किसी के द्वारा उकसाया गया या फिर हत्या का मामला है। FSL की टीम मौके पर है। वहीं पर चौथी मंजिल से कूद कर महिला ने आत्महत्या करी है। इसकी जानकारी लगने के बाद में परिजनों का बुरा हाल है। वहीं पर बुलंद सिटी अपार्टमेंट में वह महिला अकेली रहती थी। फिलहाल पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। देखिए, आज सुबह थाना ताजगंज पर सूचना मिली कि एक महिला ने एक अपार्टमेंट में अपने फ्लैट के बालकनी से उसके गिरने से उसकी मौत हुई है। और इस सूचना पर थाना ताजगंज पुलिस और फील्ड यूनिट तत्काल मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। मौके से कमरे से कुछ नींद की गोलियां और कुछ बियर की खाली बॉटल्स बरामद हुई है। और पूछताछ में सामने आया कि इस महिला का अपने पति से कुछ विवाद चल रहा था, जिसके कारण यह अवसादग्रस्त थी। तो सभी परिस्थितियों की जांच की जा रही और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे सामने आएगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये महिला अकेले उस फ्लैट में रहती थी, जो अभी तक की जानकारी है। अभी तक कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं की गई है। क्या मामला था, क्या है? देखिए, आज सुबह थाना ताजगंज पर सूचना मिली कि एक महिला ने एक अपार्टमेंट में अपने फ्लैट के बालकनी से उसके गिरने से उसकी मौत हुई है। और इस सूचना पर थाना ताजगंज पुलिस और फील्ड यूनिट तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। मौके से कमरे से कुछ नींद की गोलियाँ और कुछ बियर की खाली बॉटल्स बरामद हुई हैं। और पूछताछ में सामने आया कि इस महिला का अपने पति से कुछ विवाद चल रहा था, जिसके कारण यह अवसादग्रस्त थी। तो सभी परिस्थितियों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे सामने आएगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, महिला पति के साथ ही फ्लैट में रहती थी या अकेली थी? ये महिला अकेले उस फ्लैट में रहती थी, जो अभी तक की जानकारी। सुसाइड नोट भी छोड़ कर अभी तक कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं है।